के अंदर ही आई। बिल्कुल आप देखिए, ये आ चुकी है, ये आप देखिए, प्रियंका गांधी पहुंच गई है। दीपक जी आप देखिए, प्रियंका गांधी आपको सामने दिखाई पड़ेगी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी। पहली तस्वीरें अगर मैं कहूं दीपक जी, ये है, आप पीछे देख सकते हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। दीपक जी, रजत भी बहुत खुश है, कांग्रेस को कवर करता है, सवार हो गए हैं। रजत पहली तस्वीरें हैं जो रजत को हम सुबह से सुन रहे हैं, और प्रियंका गांधी क्योंकि सुबह से वहां खड़ा हुआ है तो उसको लग रहा है कि जल्दी रोड शो शुरू हो। और रजत, आपकी आवाज में भी बहुत खुशी हमें सुनाई दे रही है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। दरअसल मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं 25 साल रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, जब अपनी टीम के अंदर इवेंट बहुत बेहतर हो जाते हैं ना, तो जोश खुद आ जाता है। इसलिए जोश आ जाता है क्योंकि आपको बताना है अपने इवेंट को, वो टीवी के अंदर बताना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरे ख्याल से रजत की खुशी एक रिपोर्टर की खुशी है, और उस अंदरूनी खुशी के सहारे वो अगले 6, 7, 8, 10 घंटे जो भी रिपोर्टिंग करेंगे, उसी खुशी के सहारे, उसी की जोश के सहारे वो रिपोर्टिंग करते रहेंगे और हम तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। क्यों रजत, मैं आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं? बिल्कुल एग्री करते हैं सर। हमेशा बीट की जब बड़ी खबरें होती हैं, और हमने भी देखा है कई बार इतनी बड़ी चीजें थी, जब शायद आपकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जब बड़ी खबरें हुई हैं और आप बीट पे आए हैं, तो एक रिपोर्टर अगर जो बीट कवर करता है उसके लिए एक बड़ा पल होता है। आज से 10 साल 15 साल बाद भी जब आप इस बात की बात करेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी पावर में रहे ना रहे, जो भी कहे, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, लॉन्च पैड्स होते हैं पॉलिटिशियंस के लिए, और खासतौर से हाई प्रोफाइल गांधी पैरवी के, इसको कवर करने का जो एक्सपीरियंस होता है, ये लाइफ टर्म का एक्सपीरियंस होता है। इसके बारे में आप हमेशा कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। रजत, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हमें राजबब्बर दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन बस के ऊपर पहुंच चुका है? ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी हमें तस्वीरों में नहीं दिखे। देखिए, अभी इस वक्त सिर्फ इस मुझे लगता है वो अभी नीचे हैं, और अगले दो से तीन मिनट के अंदर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बस का जो ड्राइवर है वो एसपीजी का ही ड्राइवर होता है, जब एसपीजी प्रोटेक्ट की सवार होते हैं, तो वो बकायदा वहां पर पहुंच गए हैं। ड्राइवर ने कमान ले लिया है, कुछ खाने पीने के पैकेट्स भी है अगर आप देखेंगे तो दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा आप कह सकते हैं वो है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अगर आप देखेंगे तो अब आपको दिखाई पड़ेंगे फ्रेम में, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, राजीव शुक्ला है, ये सभी लोग इस वक्त ऊपर जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, चूंकि एक रिपोर्टर के मन की बात रजत ने बोली, और रजत भी इसको सुने, क्योंकि हमको प्रियंका गांधी दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। आज मुझे 2004 के वो दृश्य याद आ गए हैं, जब रायबरेली की कचहरी के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने गए थे। हमने उन दृश्यों के अंदर भी देखा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों छत पर बैठ गए थे, बड़े कंफर्टेबली बैठे थे। प्रियंका गांधी ने उस दिन भी सलवार सूट पहन रखा था, राहुल गांधी ने कुर्ता पजामा पहन रखा था, और पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियां थी, व्हाइट कलर की वो एक एसयूवी थी जिसकी छत के ऊपर वो दोनों बैठे हुए थे, और वो व्हाइट कलर की एसयूवी लाल कलर में कन्वर्ट हो गई थी, इतने ज्यादा गुलाब के फूल फेंके गए थे। तो मुझे लगता है कि उसका रिपीटेशन एक बार फिर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, आरपीएन सिंह भी, आरपीएन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, को आगे किया है राहुल गांधी ने बीच में, बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वो कांग्रेस का चेहरा है पूरे राज्य के अंदर, तो उनका आगे करना तो बनता है। लेकिन अब देखिए, आप आरपीएन सिंह भी खड़े हो गए हैं उस बस के ऊपर, और अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं पीछे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह अगल बगल बिल्कुल खड़े हुए हैं। मनीष जी, देखिए दीपक भाई, शोभना, मैं ये दृश्य देखकर एक ही चीज कह सकता हूं, अग्निपथ पर अग्रसर दो भाई बहन जी, और अग्निपथ की वो आखिरी लाइन जो मुझे याद आती है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ। अब इससे ऊपर उभरकर इन्हें राजनीति में अपनी पैठ बतानी है, और प्रियंका के आने से क्या जादू हुआ, यूपी का मिशन कहां तक ये आगे ले जाएंगी, इस पर सबकी निगाहें और नजरें। दीपक जी, ये जो तस्वीरें ऐतिहासिक निकल कर आ रही हैं, लेकिन राजबब्बर का एकदम सेंटर में खड़े होना, क्या मायने मैं निकालूं इस तस्वीर के, क्योंकि अब मैं उम्मीद कर रही हूं कि राहुल गांधी, मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत ज्यादा हमको निकालने की जरूरत नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और आगे दिखाई दे रहे हैं, राजबब्बर आगे दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये लोग घूमते रहेंगे, क्योंकि जिस तरफ भीड़ रहेगी उस तरफ ये अपने आप को लेकर जाएंगे। तो प्रियंका गांधी भीड़ की तरफ आपको ज्यादा दिखाई देंगी, हाथ हिलाते हुए दिखाई देंगी, और अपने आप अप्रोच करेंगी। ये देखिए, प्रियंका गांधी सबसे आगे दिखाई दे रही है, राहुल गांधी उनके बगल में है, और ये
थोड़े पहले का दृश्य है, अगर लाइव हमको दृश्य देखने को मिले तो वो थोड़ा सा बदला हुआ है। ये अब नया दृश्य है जिसमें प्रियंका गांधी आगे हैं, सलवार सूट पहनी हुई है, राहुल गांधी कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और ये तस्वीरें जो है, और जैसे जैसे ये मूवमेंट होगा इन बसों का, वैसे वैसे जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपनी पोस्टरिंग बदलते जाएंगे। जहां तक राज बब्बर की बात है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, इस पूरे रोड शो के आयोजक है, तो उनका वहां पर बने रहना अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि राज बब्बर की बात। आप जब से बैठे तब से आप बॉडी लैंग्वेज की बात बहुत कर रहे थे, जब फूल हाथ में लेके प्रियंका गांधी दिखी थी तो आपने कहा था बहुत काम और कूल दिखाई दे रही है, इस समय भी वो राहुल गांधी को कुछ इशारा करके कुछ उनको हाथ लगाते हुए कुछ कह रही है, बॉडी लैंग्वेज आपका अनुभव क्या कह रहा है, मस्त है, आराम में है कि ठीक है? मैं बिल्कुल कहूंगा कि प्रियंका गांधी को जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्रियंका बहुत कूल और कंपोज्ड है। प्रियंका बहुत जल्दी डिसीजन लेती है, क्विक डिसीजन मेकिंग की उनकी क्षमता है। प्रियंका बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, राहुल गांधी से बेहतर हिंदी बोलती है, और एक बार 2009 के चुनाव में उनसे पूछा गया था कि आपको इतनी बेहतर हिंदी कैसे आती है, तो उन्होंने बकायदा इसका जवाब दिया था कि मैं बच्चन परिवार के साथ मैंने काफी वक्त बिता रहा है और वहां पर उनकी हिंदी बिल्कुल अलग है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन खुद एक बहुत हिंदी साहित्य के इतने बड़े नाम थे, तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन, तो उनका यह कहना था कि वो बच्चन परिवार के साथ रही है, उन्होंने काफी वक्त बिताया है, इसके चलते जो है उनकी हिंदी बहुत बेहतर है। और आप प्रियंका से जब हिंदी में बात करेंगे तो प्रियंका कुछ ऐसे शब्द भी बोल सकती हैं जिनका अर्थ समझने में आपको माथापच्ची करने पड़े। मनीष जी, मैं तस्वीरें देख रही हूं लगातार, दीपक जी को मैं सुन भी रही थी, मैं जो देख पा रही हूं उसमें लगातार राहुल गांधी स्टेज मैनेजमेंट में लगे हुए, उन्होंने एसपीजी के आदमी को हटा के ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे खींचा है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि मीडिया शुरू हो गया, मतलब ना निकाल ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जितिन प्रसाद है, प्रियंका गांधी है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी है, ये रोड शो जो है वो शुरू हो गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो एक एक बड़ा रोड शो होना था उसकी शुरुआत लखनऊ से हो चुकी है। ऊपर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी है, टीका लगाए हुई है, आप देखिए अगर ध्यान से मेरे कैमरा में बताए, टीका लगाई है, राहुल गांधी साथ में है, ये रोड शो जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का ये शुरू हो चुका है, राजीव शुक्ला है, पीएल पुनिया है, ये रोड शो एक बड़े रोड शो की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ये रोड शो लगभग 25 किलोमीटर तक चलेगा। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज लखनऊ। मनीष जी, दीपक जी भी कह रहे थे कि हिंदी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत काम रहती है, क्विक डिसीजन उनकी एक सबसे बड़ी ताकत है, और आज ये तस्वीरें बहुत ऐतिहासिक हैं। देखिए तस्वीरें ऐतिहासिक हैं और ये हमेशा याद रखी जाएंगी अगर कांग्रेस बेहतर करती है तो। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, दीपक भाई ने एक जिक्र किया कि प्रियंका गांधी की हिंदी इतनी अच्छी क्यों, वो इतना अच्छा कैसे बोल लेती हैं, समझ लेती हैं, उसकी वजह बच्चन परिवार का जिक्र किया भाई, साहित्य का सबसे बड़ा नाम हरिवंश राय, और आज जिस मार्ग पर ये लोग दोनों भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का ये अग्निपथ है, और अग्निपथ की वो लाइन मुझे फिर इनके लिए याद आती है, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। दीपक जी, आज मनीष जी तो पूरे अग्निपथ इन्होंने बिल्कुल टाइटल दे दिया है इस पूरी रथ यात्रा को, और जो उसके डायलॉग्स भी मनीष जी बहुत अच्छे से हमें मेंशन भी कर रहे हैं, क्या ये सच में प्रियंका गांधी के लिए अग्निपथ 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 है उत्तर प्रदेश की राह? देखिए निसंदेह ये अग्निपथ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अग्निपथ पर चलना प्रियंका गांधी नहीं जानती है। प्रियंका गांधी को पता है कि राजनीति की राह कितनी मुश्किल है, उनको पता है कि किस तरह के हमले होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि किस तरह से टांग खिंचाई होती है, उनको किस तरह अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से किसी की गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश इस राजनीति में होती है, तो उनके परिवार को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देखा है यही करते हुए, इसलिए प्रियंका गांधी को इस बात का बहुत अच्छी तरह एहसास है कि अगर वो राजनीति के अंदर उतरी है तो उनके ऊपर किस किस तरह की चुनौतियां हैं, जब वो राजनीति में नहीं थी तब उन पर कई व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर, परिवार पर हमले होते रहे हैं, लेकिन अब प्रियंका गांधी इसमें कूद गई हैं और राजनीति के समुद्र में जब उन्होंने गोता लगाया है तो ये बड़ा साफ है कि सवाल उन पर भी उठेंगे, सवाल उनसे जुड़े हुए लोगों पर भी उठेंगे, लेकिन उस अग्निपथ को वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं, इसीलिए ये कहना कि प्रियंका गांधी अपने आने वाले समय की चुनौतियों से अनजान है ये बेहद गलत होगा। हमको ये समझना होगा कि प्रियंका गांधी इन चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं और प्रियंका गांधी को बहुत अच्छी तरह पता है कि कब किस वक्त कहाँ क्या करना है, और इसी को हमको आज जज करना है कि हमको देखते हुए यहाँ पर रह जाना है कि देखते हुए और समझते हुए यहाँ पर दर्शकों को समझाना है
कि देखिए प्रियंका गांधी ने इसका ये जवाब दिया, इस पर उन्होंने ये रिएक्शन दी और इस वक्त इनका बॉडी लैंग्वेज ये रहा। मनीष जी, जिस समय राहुल गांधी को कमान मिली कांग्रेस की, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में थी, लेकिन तीन स्टेट्स के रिजल्ट आने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत हाई, और जैसा कि दीपक जी लगातार पूछ रहे हैं, हाउ इज द जोश, बहुत जोश जो है बहुत हाई है। तो प्रियंका गांधी के लिए भी माना जाए कि जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई है, ऐसे समय पे उनको मिली है जब कांग्रेस बहुत ही ज्यादा बुरे दौर में है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर गठबंधन तक ने उनको पूछा नहीं, अपने अंदर शरीक नहीं किया। देखिए कैडर एकदम कमजोर है, जहां तक बात करें कार्यकर्ता एकदम आप ये समझिए कि लुप्त हैं। ऐसी स्थिति में प्रियंका के लिए जरूरी हो जाएगा कि उन सबको नींद से जगाना और चुनावी मोड में लाना, और चुनावी मोड में लाने का मतलब हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं। ऐसी स्थिति में प्रियंका जिस अंदाज में आज रोड शो होगा, रोड शो हो रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा मेरे ख्याल से हमें हावभाव का विश्लेषण करना आसान होगा, जैसा दीपक भाई जिक्र कर रहे हैं, और तस्वीर हर सेकंड बदलेगी। तिरंगे लहराते हुए दिख रहे हैं भाई, जिसमें कांग्रेस के झंडे जो हैं वो लहराते हुए दिख रहे हैं। और जहां तक भीड़ की बात है, इसमें एक ही चीज दीपक भाई मुझे दिखाई देती है जो कमजोर है, वो ये कि जो जिस भी होता है वो दिखाने में कांग्रेस शायद थोड़ी कमजोर हो पा रही है, कि जो एक समंदर सैलाब जो दिखता है भीड़ का, वो नहीं दिख पा रहा, जो कि कैमरे के जरिए हम दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे। लेकिन मुझे लगता है जैसे अभी अभी बहुत छोटी जगह है, ये एयरपोर्ट का सिक्योर एरिया है, रास्ता भी उतना ही सकरा है ये पूरा रास्ता, जिन जिन रास्तों से गुजरेंगे। लेकिन जो मनीष भाई कह रहे हैं मैं उसको समझा देता हूँ, भव्यता रहती है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का कोई इवेंट करती तो उसमें भव्यता रहती, तीन गाड़ियां आगे चल रही होती, तीनों पर मोटरसाइकिल के ऊपर कैमरे लगे होते, और बाकायदा आपको एक फ्रीक्वेंसी दे दी जाती कि इस फ्रीक्वेंसी पर आपको ये तमाम शॉट देखने को मिलेंगे, और वो कॉर्डन ऑफ किया जाता, और वो इतना भव्य लगता कि आप उसको अभी हमारा एक कैमरा या जो भी एक कैमरा है वो वहां पर उनको कैप्चर करने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर आपको कई कैमरे से कई वाइड एंगल शॉट्स मिलते हैं, लो एंगल शॉट्स मिलते हैं, लॉन्ग शॉट मिलते हैं, पूरा आउटपुट दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अंतर है बीजेपी के इवेंट मैनेजमेंट में और कांग्रेस के इवेंट। अब हम लगातार बात ही कर रहे थे, और उसी समय आपने ये पहले ही बता दिया था कि इतना स्ट्रांग बीजेपी जितना ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं होगा। फिलहाल रुकना पड़ रहा है, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए नहीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले देख सकते हैं इन तस्वीरों में भीड़, मनीष जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए शोभना क्या बयान कर रही है ये तस्वीरें। शोभना, जितना क्राउड मैनेजमेंट मैं जानता हूं उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि जो रफ्तार है काफिले की, अगर वो आप गाड़ियों का काफिला देखें जिस अंदाज में शुरू हुआ था, और पीछे कार्यकर्ता जो उनके बीच में, वो देखिए पीछे जैसे ही गाड़ी खत्म होती है उसके बाद ही खालीपन दिखाई दे रहा है, तो उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि जो 60 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाने की बात थी, मेरे ख्याल से कहीं वो जामर ने रोक तो नहीं लिए। और जिस तरह से खालीपन दिखाई दे रहा है, सड़कों का एरियल व्यू भी हमने देखा, और उसके मद्देनजर ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं भीड़ आने में चुकी है, शुरुआती बहुत कमी दिखाई दे रही है। मनीष जी, इससे ज्यादा भव्य तो जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ने बनारस में रोड शो किया था, तो बढ़िया फूलों से गाड़ी सजी हुई थी और वो उस रोड शो में ज्यादा भव्यता थी, तो इस भव्यता क्यों नहीं कांग्रेस दे पाई, क्या कारण है? देखिए यही बात समझने की है कि उस समय अखिलेश यानी समाजवादी कार्यकर्ता आपके साथ थे, इस बार आप अकेले निकले हुए हैं। और रजत की मैं सुबह जो उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सोचा है कि 80 सीटों पर पूरे चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा जो सवाल है या मेरी जो चिंता है वो यही है कि 80 चेहरे कहां से लाएंगे, और 80 चेहरे चलिए आपने ला भी लिए, तो आखिर कडर कहां से लाएंगे, आपके पास बूथ मैनेजमेंट कैसा है, आपके पास कार्यकर्ता कहां है, सड़कों पर अगर इतना खालीपन है, देश की वो नेत्री जिसको एक चेहरे एक जादू के रूप में देख रहे थे, महाबली के रूप में देख रहे थे, तो अगर ये सड़क और जो काफिला जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है जो 4-5 घंटे की बात थी वो कुछ ही घंटों में सिमट सकता है अगर आगे भी ये स्थिति रही। महेश वर्मा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमसे जुड़ गए। महेश जी, ये तस्वीरें दिल को बड़ी ठंडक दे रही होंगी आपके। नहीं, हमारे दिल की ठंडक तो उसी टाइम हमें उसका सुकून मिल गया था जब हमें ये दिखाई दिया कि भाई इस तरह के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, और ये जो भीड़ है ये सुबह से भी हम लोग देख रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी भी इस तरह का शो कर चुके हैं, ठीक है ना, दो बार इस तरह का, इसी तरह का आप ये कह लीजिए राजनीतिक पाखंड जो है ये कांग्रेस कर चुकी है। और आप रोड शो करें तो वो रोड शो, कांग्रेस करे तो वो पाखंड,
मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि प्रियंका गांधी का जो ये अभी ये जो रोड शो चल रहा है, इसका कोई भी जादू लोगों के ऊपर इसलिए असर नहीं करेगा कि सिमिलर इस तरह की जो है ना, राहुल गांधी जी भी कर चुके हैं, लोगों से झूठे वादे करके निकल चुके हैं, लोगों के मानस पे आज तक वो चीज अभी तक गहरी छाप छोड़ी है कि भाई ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये लोग आते हैं और इसी तरह का रथ करते हैं और इसी तरह का ये व्यर्थ करके टाइम और निकल लेते हैं। और दूसरी बात कि प्रियंका जी का ये जो ये पूरा तमाशा है, इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें राहगीर ज्यादा हैं, इसमें 80% तो ऐसे हैं जो चलते हुए अभी तो वोटर है ना महेश, ये तो एग्री करेंगे कि जो राहगीर है वो भी वोटर है, उनको भी राय बनाने का अधिकार है, उनको भी अपने नेता को देखने का अधिकार है। और आप क्यों ये मान के चलते हैं कि जहां पर भी इस तरह की रैली या रोड शो हो उस जगहों पर सिर्फ पार्टी के ही कार्यकर्ता हों? देखिए, रोड शो अगर आप कर रहे हैं और आपका नाम काम, जो गांधी परिवार अपने नाम के भरोसे जिस तरह से इस देश में नाम के ऊपर जो है ये राजनीति करने का ये जो एक प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास का ये पहला झटका अगर कोई चीज दिखाई दे रहा है तो मुझे ये प्रियंका गांधी तो ये जो झटका दिखाई दे रहा है तस्वीरों में वो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। हालांकि गठबंधन की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ बीडी नकवी साहब बीएसपी के सपोर्टर हैं, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। नकवी साहब, इस समय भीड़ इस समय तो नहीं बहुत दिखाई दे रही है, हो सकता है आगे आने वाली सड़क पर भीड़ हो, लेकिन एरियल व्यू में भी हमें बहुत लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। गठबंधन को भी कहीं ना कहीं तो राहत आई होगी, क्योंकि कहीं ये आपको आपको भी डर था कि आपका वोट बैंक पे भी सेंध हो सकती है। देखिए शोभना जी, आपने बड़ा वैलिड सवाल किया। ये जो भीड़ का मामला है, ये मैं आपको बता दूं, ये लोग किराए से लाए जाते हैं, पैसे से लाए जाते हैं। हम बिहार के मीटिंग्स में देखते थे मोदी जी का बहुत बड़ा शो, बहुजन समाज पार्टी का जो केक काटने के लिए आते हैं वो आप कितने किराए पे लाते हैं? कोई भीड़ नकवी साहब, जो मायावती बहन जी का जब जन्मदिन होता है या रैली होती है कितना किराया देते हैं आप? देखिए ऐसा है, मैं आपको फर्क बता दूं शोभना जी, जो आते हमारे जन्मदिन पे, वो हमारे पास एक कैडर है, अंबेडकराइट्स है, अंबेडकर के फॉलोअर हैं। ये आपको फर्क समझ, आरएसएस एक मूवमेंट है, आरएसएस एक मिशन है यूपी में और एक अंबेडकर का मिशन है। हमारे यहाँ लोग अंबेडकर के मिशन के लोग हैं, ये फर्क है। अभी कांग्रेस को अपना कैडर बिल्डअप करना, कांग्रेस के पास वो कैडर नहीं है। तो आपको लग रहा है कि इस रथ यात्रा के बाद, इस मेगा रोड शो के बाद, अब मेगा मुझे कहना भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं इसको मेगा कहूं या ना कहूं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि काडर अब तैयार होगा, जमीन तैयार करेगी कांग्रेस? जी जी, देखिए कांग्रेस तो वर्स स्टेट में है इस वक्त यूपी में। इस वक्त तो जो 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 हालात है वो हमें मालूम है। हमारा गठबंधन है बीएसपी समाजवादी का, वो एक बड़ा झटका है अब। लेकिन एक बात यह है कि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो सब बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी को हराना, मोदी शाह को हराना ही सबका मकसद है। इस माना कर तो हमारा एक टारगेट यूनाइटेड टारगेट है। नहीं नहीं, ये जानना चाहूंगा नए मजमून की, मुल्क को यारो जरूरत है तुम्हारे जुनून की। आप मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर इस चेहरे के साथ जाएगी तो वो थोड़ा बहुत नुकसान एसपी और बीएसपी गठबंधन का भी करेगी ही करेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की एसपी बीएसपी गठबंधन में करेगी क्या कोई संभावना है अभी? जी देखिए, बिल्कुल संभावना है, मैं बिल्कुल संभावना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जो प्रोग्राम होगा इसके बाद जो चीजें तय होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई संभावना नहीं है। मतलब आपको आपको संभावना दिखाई देती है कि एसपी बीएसपी और कांग्रेस तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़े, एक ग्रैंड अलायंस बनाए? मुझे बिल्कुल देती है कि संभावना है, बिल्कुल है। लेकिन अब दायरे लीडर्स को तय करना है। ठीक है नकवी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष जी, नकवी साहब को संभावना दिखाई देती है, लेकिन इस रोड शो को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी जरूर देख रही होगी। आपको लगता है कि वो गठबंधन के लिए अब कांग्रेस के साथ तैयार होगी, अभी की जो तस्वीर है? देखिए, गठबंधन के लिए तैयार हो ना हो, इनका आपस में 38-38 का तो तय हो गया है, दो सीटें वैसे ही उन्होंने। नहीं, कांग्रेस को क्या शामिल करेगा गठबंधन अपने साथ? मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और समय हमें जाने देना चाहिए। इट विल बी टू जजमेंटल, इतने शुरुआती दौर में ही अगर हम ये कह दें, एक थोड़ा सा वक्त और थोड़ी। लेकिन मनीष भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि बीडी नकवी साहब, वैसे
बीएसपी में स्पोक्स पर्सन की प्रथा नहीं रही है, वहां पर जो डिसीजन होता है वो सीधे मायावती जी से होता है, लेकिन उसके बाद भी वो इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि इस तरह का गठबंधन बन सकता है। आपको ये उम्मीद नहीं दिखाई देती है या आपको ये पॉलिटिकल इक्वेशन नहीं दिखाई देती है कि ये भी हो सकता है? देखिए दीपक भाई, हमेशा इस बात पर चर्चा होती है और ये माना भी जाता है कि राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है, और अभी आने वाले 15-20 दिन बहुत ज्यादा निर्णायक होंगे कि किस तरह से कौन कैसे पत्ते खेल रहा है। और उस पत्ते के तहत मुझे ऐसा लगता है यूपी जैसी कि प्रचलित है बात कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, इसके मद्देनजर ये तीनों आपस में मुझे ऐसा लगता है आपसी सोच तो एक ही है कि भाई लड़ाई एक के खिलाफ है, लड़ाई एक राजनीतिक दल के खिलाफ है, और उसमें अगर हम सब साथ होकर एक दूसरे को मजबूती देंगे तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली तक पहुंचना आसान हो जाएगा, वरना सत्ता हिलाना मुश्किल होगा। गणेश जी, झंडों की संख्या बढ़ रही है, जो हम कंसर्न अपना शो कर रहे थे तस्वीरों को लेकर, और कैमरा जो तस्वीरें इस समय दिखा रहा है उसमें कांग्रेस के झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है, भीड़ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए बात वो भी है ना शोभना कि वहाँ की गलियाँ कितनी सक्रिय हैं, और गलियाँ सक्रिय के अलावा इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा और काफिला आगे बढ़े, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त यूपी में पगडंडी पर जी। और वो पगडंडी से चलकर इन्हें हाईवे पर आना है, उसके मद्देनजर ये जो भीड़ दिख रही है, चलता हुआ ट्रैफिक, क्या रोका गया नहीं रोका गया, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं भाई, लोकल पुलिस ने वहाँ ट्रैफिक को कितना रोका, कॉर्डन ऑफ किया, जिस इलाके से निकल रही है वो कितना सकरा इलाका है, तमाशबीन इकट्ठा हो रहे हैं, देखना चाहते हैं एक, और इस देखने के तहत जब वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, बाजार का इलाका है, वहाँ भीड़ वैसे ही होती है, तो ये सारी बातों को गौर करना होगा। लेकिन हाँ ये भी उतना ही सही है कि वो भी एक वोटर है, क्या इस तरह का रोड शो उस वोटर के मन में कोई परिवर्तन की लहर ला सकता है, यही प्रियंका को करना भी है। ठीक है दीपक जी, जितनी भी भीड़ जुट रही है इसको क्या एक ऑक्सीजन माना जा सकता है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश? अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि अभी बहुत प्री मैच्योर है, अभी सिर्फ प्रियंका गांधी का पदार्पण हो रहा है और हम यही देख रहे हैं कि लखनऊ में इस रोड शो के जरिए वो उसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आईसीयू में है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से मात्र 2 सीटें मिली थी, वो भी गांधी परिवार की, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा शून्य है। आईसीयू से प्रियंका गांधी निकाल पाती या नहीं, आपने ऑक्सीजन की बात कही, आईसीयू में जब पेशेंट को लाया जाता है तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन मास्क ही लगाया जाता है, और सबसे पहले जब आईसीयू से निकलता है तो उसको ऑक्सीजन मास्क ही निकाला जाता है, तो वेंटिलेटर पे है कांग्रेस ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन इतनी दे देंगी प्रियंका गांधी कि कांग्रेस के मुंह से ऑक्सीजन का मास्क निकाल लिया जाएगा, मुझे इसको कहने ये कहना फिलहाल बहुत ही प्री मैच्योर लगता है। ठीक है मनीष जी, हम तस्वीरों की लगातार बात कर रहे हैं और वही तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि सक्रिय गलियां दी गई, तो ये जो गलियां दी गई वो तो प्रशासन के द्वारा दी गई, तो प्रशासन को भी ये सड़क ही ऐसी है, सड़क ही ऐसी है, आप जब अप्रोच रोड पकड़ते हैं और मेन रोड की तरफ आते हैं, अब मेरे ख्याल से ये मेन रोड पर आ गए, और ऊपर जो आपको ये मेट्रो, हाँ ये मेट्रो का पहला चरण है जिसके उद्घाटन के लिए अखिलेश यादव काफी टाइम कहते रहे कि देखिए मैं मेट्रो ले आया, और बाद में पहले चरण का दूसरी बार भी उद्घाटन हो गया, तो कई तरह की राजनीति यहाँ पर हुई है, तो ये फिलहाल मेट्रो के पिलर के नीचे चल रही है, और एक वाइड शॉट आएगा तो हमको लगता है कि उसमें काफी चीजें साफ हो जाएंगी। ये जो सड़क है ये भी कोई बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, इसमें मेट्रो के पिलर से एक तरफ बने हुए हैं और दूसरी तरफ दोनों तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, और एक चौराहा आता है जिससे आप हजरतगंज की तरफ जाकर आगे मुड़ जाते हैं। ये वो जगह है जो मुझे आभास होती है उसको देखते हुए, वहां के इस पूरे के पूरे सीन को देखते हुए वो आभास मुझे देखने को मिल रहा है। और इस तरह के जो कार्यकर्ता जो नाच रहे हैं ये लगातार चल नहीं रहे कॉन्वॉय के साथ, ये खड़े हुए हैं। अब आप देख लेकिन सकते हैं कार के ऊपर मुझे दिख रहे हैं लोग कुछ चढ़े हुए जो मोबाइल से शूट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका गांधी को। देखिए आजकल तो जो भी होता है ना, बारात भी होती है, डांस भी होता है, मुंडन भी होता है, मेरे ख्याल से शव यात्रा को छोड़ दे तो बाकी हर चीज की सेल्फी बनती है। बिल्कुल, अरविंद चतुर्वेदी सर इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, तो चलिए अरविंद से बात कर लेते हैं। अरविंद कहाँ पहुंच गए? प्रियंका गांधी एयरपोर्ट के पहले जो पहला शहीद पथ का मोड़ है वहां पे उनके भारी स्वागत की तैयारी है, वहां पे बस प्रियंका गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। मैं दीपक जी को ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रियंका को लेके लखनऊ यानी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां पे लोगों में उत्साह है, और लोगों को लगता है कि प्रियंका गांधी के आ जाने से
कांग्रेस पूरी तरीके से विपक्षी बदल जाएगी, ये पहली बार। भीड़ बताइए, क्योंकि तस्वीरों में हमें भीड़ जो है वो थोड़ी छितरी हुई दिखाई दे रही है, उतनी डेंस नहीं दिखाई दे रही है। आप वहाँ पर मौजूद है, भीड़ बताइए कि वहाँ पे कितने लोग हैं, क्या खचाखच भरा हुई है। सोमना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कार्यकर्ता है, और जब जब कार्यकर्ता तो नेता के साथ है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि जनता अपने आप बाहर निकलेगी, वो छक्के से देख रही है, अपने खिड़की से देख रही है, अपने छत से खड़ी होकर देख रही है, लेकिन सड़क पे नहीं उतरी है। यहाँ पे जो सड़क पे आपको नजर आ रहे हैं वो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो प्रियंका को इन लोगों को अपने साथ सड़क पे लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद यही कारण है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि अगली बार जब आए तो जनता भी इनके साथ नजर आए। लेकिन अरविंद, अगर संघर्ष तो उसी को माना जाता है जब लोग सड़क पर उतर आए, तो हम क्या माने पहले दिन प्रियंका गांधी लोगों को सड़क पर उतारने में असमर्थ रही है? बच्चे, हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो तो हम यही कहेंगे, क्योंकि सब जगह यहाँ पे अमेठी के कार्यकर्ता है, जायस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, रायबरेली के कार्यकर्ता है, फतेहपुर के हैं, सुल्तानपुर के हैं, लेकिन जो आम जनता जो ये होता है कि नहीं हमारी नेता आ रही है, वो अभी हमें यहाँ नहीं दिखाई पड़ा। अभी जनता को इनको बाहर निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी आ गई है, सबको अपना चेहरा दिखाना है, नेताओं को अपना चेहरा दिखाना है, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन जनता को लाने के लिए प्रियंका गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या अगर गलत दिन का चुनाव हम इसे कहें तो माना जा सकता है? सोमवार का दिन है, लोग अपने दफ्तर जाते हैं, अगर इसी दिन को शनिवार या इतवार चुना गया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। अरविंद, देखिए, जैसा जो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ा है, नरसिंह साहब को सोचना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, वो पूरे प्रदेश से आए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें अजय कपूर भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हमें ललितेशपति त्रिपाठी भी दिखाई पड़ रहे हैं, उनके साथ जो है सैकड़ों समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक, जैसे कि जिस दुकान पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे उनका उसकी यात्रा आने वाली है, तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने दुकान खोल रखी है लेकिन ये प्रियंका को देखना चाहते हैं, ये सड़क पे नहीं है। प्रियंका के साथ सड़क पे ना हो तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तस्वीरों के साथ आपको छोड़ रहे हैं और फौरन लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज हमारी लगातार जा रही है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रियंका, राहुल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के अलावा दूसरे बड़े नेता मौजूद हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से प्रदेश कांग्रेस ऑफिस तक ये रोड शो होना है, करीब 15 किलोमीटर लंबा है ये रोड शो। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका राहुल के पोस्टर से पूरे लखनऊ को पाट दिया है। दीपक जी, ये तस्वीरें लगातार आ रही है, आपकी एनालिसिस इन तस्वीरों पर क्या है? देखिए, अगर इन तस्वीरों पर आप एनालिसिस पूछेंगे तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक औसत दर्जे का रोड शो है, क्योंकि अभी जिस तरह का उत्साह दिखाई देना था, जिस तरह की भीड़ दिखाई देनी थी, जिस तरह के लोग दिखाई देने थे, जिस तरह के झंडे दिखाई देने थे, जिस तरह के बैनर दिखाई देने थे और जिस तरह के स्लोगन सुनाई देने थे, वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो नहीं सुनाई पड़ रहे हैं। और हमको जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है वो भी कम से कम यही कह रही है, जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा, उम्मीद करते हैं कि शायद और लोग उससे जुड़े। अभी हम चलते हैं हमारे सहयोगी विजय मिश्रा के पास। विजय हमारे साथ हजरतगंज से जुड़े हुए हैं। विजय, हजरतगंज में बताइए आपकी कितनी संख्या में लोग होंगे और कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है यहाँ पर प्रियंका गांधी का? बिल्कुल, सबसे पहले दीपक जी मैं आपको संख्या दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पीछे सामने की तरफ जो लोग हैं वो गांधी प्रतिमा पर एक साथ इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। जितने ही संख्या में लोग गांधी प्रतिमा के पास जुटे हुए हैं उतनी ही संख्या पर लोग नीचे मौजूद हैं और आसपास भी लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ये ज्यादातर जो लोग आए हुए हैं वो कांग्रेस सेवा दल से आए हुए हैं। कई सारी महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा संगठन और समूह बनाकर के एक साथ आई हुई है, और जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी के आने के बाद से इनमें काफी जोश है। प्रियंका गांधी के नाम के अनाउंसमेंट के पहले से ही जोश है या फिर ये था कि अब प्रियंका गांधी जी आ गई अब बेहतर होगा? नहीं सर, पहले जो जोश था वो कम था, लेकिन आज जो प्रियंका दीदी आ गई हैं तो आज बहुत काफी जोश। कांग्रेस के किस डिपार्टमेंट में आप काम करती हैं, कौन से विभाग में? जिला विभाग। अच्छा, तो सेवा दल से जुड़ी हुई है? सेवा दल से। कौन से जिले से हैं? अंबेडकर नगर है। अंबेडकर नगर से? आप भी अंबेडकर नगर से? नहीं, हम सुल्तानपुर से, रेणु श्रीवास्तव। प्रियंका जी को आने के लिए हम लोग की बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब एक जोश फैल गया है महिलाओं में, जैसे करंट हो गया, बहुत उम्मीद हो गई है कि प्रियंका जी के आने से सब बिल्कुल पलट जाएगा, भाजपा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आप भी सुल्तानपुर से हैं? नहीं, हम इलाहाबाद से हैं। अच्छा, आप इलाहाबाद से, यानी सब अलग अलग जिले से। विजय, आपने तीन लोगों से बात की और तीनों अलग अलग जिले से हैं, क्या ये इंडिकेट करता है कि लखनऊ के लोग सड़कों पर नहीं है और जो लोग सड़कों पर हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें अलग अलग जिलों से बुलाया गया है?
जाहिर सी बात है दीपक जी कि यहाँ पर और जिलों से संख्या में ज्यादा लोग आए हुए हैं। मैं सवाल भी कर लेता हूँ, क्या कोई लखनऊ से भी है यहाँ पर, राजधानी लखनऊ से भी कोई उपस्थित है यहाँ पर? अच्छा, आप लखनऊ से हैं। एक एक महिला है जो लखनऊ से है, मैं इनसे बात करता हूँ। लखनऊ से कहाँ से आप? जी पीटीआई से। लखनऊ से कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पर? काफी लोग आए हुए हैं, क्योंकि लखनऊ के लोग कम यहाँ पर दिखाई दे। आप अकेला, आपका हाथ उठा? नहीं नहीं, काफी लोग हैं, सब इधर उधर है ना, है काफी लोग हैं। काफी लोग हैं ना? हाँ, लखनऊ से, पीजीआई से। अच्छा, पीजीआई से आप आए हुए हैं, क्या कहेंगी? प्रियंका जी आ रही हैं जी, काफी उत्साह बढ़ा है प्रियंका जी के आने से, और जो मोदी के पेट में दर्द शुरू हो गया है और योगी के जो है मुझे ठीक है। मोदी जी, योगी जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी के आने से उत्साह ज्यादा बढ़ा है या कांग्रेस में पहले कुछ ऊर्जा कमी थी वो पूरी हो जाएगी? आयरन लेडी and she have a power to fight with any political party. और आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 में अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाने जा रही हैं। सुनामी आ रही है, सुनामी युवाओं में, महिलाओं में, सब में जोश है। मुझे अब आप सब कांग्रेस समर्थकों के बीच में खड़े हुए हैं, तो ये बड़ी चिरपरिचित थी जो है कि वो हमें रिएक्शन मिल रहे हैं। कोई आयरन लेडी कह रहा है, कोई कह रहा है अपने भाई को, आप बिल्कुल हार्डकोर कांग्रेस समर्थकों के बीच में। दीपक जी, भीड़ जितनी हम जैसी बात आप कर रहे थे कि बहुत एवरेज है ये रोड शो, भीड़ नहीं जुट रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, आपको लग रहा है कि काडर बहुत जोश में, और अब ये कहीं दिशा और दशा को बदलेगा कांग्रेस के लिए? अब शोभना, अभी हमको थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि प्रियंका गांधी के आने से और प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री होने से, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार मिलने से, पार्टी का महासचिव बनने से, कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा जो बेहद स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो जोश है तो वो सड़कों पर दिखाई उस तरीके से क्यों नहीं दे रहा है, ये भी मेरा सवाल है जो कहीं ना कहीं मेरे जेहन में कौंध रहा है। हो सकता है कि जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़े इसकी भव्यता बढ़ती जाए, और जब तक ये कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तब तक ये बहुत भव्य बन जाए, क्योंकि उस इलाके में काफी सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, जैसा कि हमारे सहयोगी विजय मिश्रा हमें बता रहे थे, वहां पर मौजूद है। लेकिन जो सबसे पते की बात है वो ये है कि जिस तरह का संकेत देने की कोशिश कांग्रेस हाईकमान इस रोड शो के माध्यम से करने की कोशिश कर रहा था, वो क्या दे पा रहा है? जाजी हमारे साथ है, थोड़े थोड़े कांग्रेस समर्थक है, इनका दिल कभी कभी धड़क जाता है कांग्रेस के लिए। जाजी, मुझे आप बताइए कि आप क्या इसको एक सफलतम रोड शो मानेंगे, अभी तक के रोड शो को हम कंपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से? सर दीपक जी, मैं समर्थन तो कांग्रेस का नहीं करता हूं, बट आपकी बात को मान लेता हूं कि थोड़ा बहुत समर्थन सच्चाई, थोड़ा दिल धड़क जाता है, दिल धड़क जाता है, दिल धड़कने दो। लेकिन अभी क्या ना, बिल्कुल औसतन दर्जे का आपने इसको परिभाषित किया है, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग इसमें शामिल हैं, कहीं से कोई आम जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस बात को हम बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। लेकिन इससे होगा क्या, इस रैली से जो कांग्रेस के लिए फायदा की बात है, वो एक जीवन बूटी का काम करेगी कि कांग्रेस अपने लोगों तक, जो सामान्य लोग हैं, जो जिनको ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है ना एसपी ना बीएसपी, वो वोट डालने जाते हैं लहर देख के, वेव देख के, तो शायद ही वेव बनाने का काम करेगी ये रैली की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो काडर है उसके लिए एक नया जोश ये जो रोड शो है वो साबित हो सकता है? लेकिन अगर काडर है, लेकिन जहां साहब मुझे ये बताइए, लेकिन अगर काडर है तो उसका वो करंट, उसकी वो बिजली इन सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? समझना चाहता हूं मैं, बताता हूं सर क्या है, शायद बहुत जल्दबाजी की इनकी रैली है, चार पांच छह दिन पहले अभी प्रियंका गांधी को महासचिव बना दिया, वो आई डुबकी लगाई गंगा जी में जाके, दूसरा लगाई डुबकी, वो नहीं लगाई, कुंभ भी नहीं पहुंची, कुंभ नहीं पहुंची थी सॉरी। तो शायद बहुत जल्दबाजी की इनका रैली है कि प्रियंका गांधी को हम लाएंगे और सड़क पे जनसैलाब ऐसा उमड़ के आ जाएगा, तो ऐसा कहीं कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस को यहां से सबक लेना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, क्या राहुल और क्या प्रियंका गांधी के नाम पे चल सकते हैं, नहीं चल सकते, इनके वही पुराने घिसे पिटे चेहरे हैं जो नेता लोग हैं, सिर्फ बस में दिख रहे हैं, आम आदमी से कनेक्टेड लोगों को जोड़ने की कोशिश अभी तक ये नहीं कर पाए हैं, तो प्रियंका गांधी के नाम पे ही सिर्फ चुनाव लड़ेंगे तो शायद कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती और भूल होगी, क्योंकि मोदी लहर 2014 में थे, अभी वो लहर हम नहीं कह सकते लहर है। ठीक है, ठीक है दीपक जी। मनीष जी, जिस तरीके की लहर की ये भी बात कर रहे हैं, और मेरा अब आपसे सीधा सवाल ये है कि बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ी राहत की सांस है, क्योंकि जिस जलवे की उम्मीद प्रियंका गांधी से लगाई जा रही थी, पूरा मीडिया भी लगा रहा था, आम आदमी भी लगा रहा था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी वो उम्मीद लगाए बैठी हुई थी, बीजेपी के नेता अब हमलावर कम होंगे, अब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी में कम बुलाया जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सूरज निकलता है और वो भी पूर्वोत्तर से निकलता है,
और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है शाम होगी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी राहत ही नहीं, बीजेपी आश्वस्त भी हो जाएगी कि जो हमने सोचा था वैसा ही सब कुछ हुआ। लेकिन हाँ, शाम होते होते अगर आप कांग्रेस के बड़े नेताओं से या कार्यकर्ताओं से, आपको शोभना याद होगा जब हम रजत से बात कर रहे थे, हमने कहा था कि अगर भीड़ कम जुटी तो नेता क्या जवाब देते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को तो नाकों पर ही रोक दिया गया था, इसलिए लोग नहीं आ पाए। मुझे ऐसा लगता है शाम होते होते यही बयान सामने आएंगे। दीपक जी, आप अग्री करते हैं नाकों पर रोक दिया गया योगी सरकार के द्वारा ये बयान आएगा? मैं नहीं मानता। देखिए, कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी क्या हालत है। अगर आपको मॉब को मोबिलाइज करना है, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है, अपने काडर को ये कहना है कि कार्यकर्ताओं को लेकर आओ, एक बड़ा रोड शो होना है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए तैयारी के लिए वक्त लगता है। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के इस रोड शो के लिए उस तरह की तैयारियां की गई होंगी जिस तरह की मोदी की एक रैली के लिए की जाती है या अमित शाह जी की एक रैली के लिए की जाती है, जो शायद प्रियंका जी के लिए नहीं की गई हो, क्योंकि वक्त ही बहुत कम था। तो ये कम वक्त और साथ ही साथ ये देखना कि कितने कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी के बचे हुए हैं जो सक्रिय हैं, ये वो कार्यकर्ता है जो अभी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा सुल्तानपुर से आए, किसी ने कहा हम रायबरेली से आए, किसी ने कहा हम अमरलाबाद से आए, विजय बात कर रहे थे उनसे। तो ये वो कार्यकर्ता है जो चेहरे अभी भी बचे हुए हैं, जो चेहरे दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं और अपने अपने नेताओं के साथ आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी 10-12 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी है जहां पर नंबर 2 नंबर 3 की पोजीशन में कांग्रेस पार्टी रहती है, और कई सारी सीटें हैं, 3-4 सीटें हैं जिस पर वो कड़ा मुकाबला देगी। 2 सीटें तो साफ तौर पर जीती हुई दिखाई देती है, अमेठी और रायबरेली की, जिसको महागठबंधन ने छोड़ा है। तो मुझे ये लगता है कि ये वही कार्यकर्ता है जो अपने नेताओं के पीछे रहते हैं, और वही नेताओं के पीछे वाले चलने वाले कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मास मोबिलाइजेशन होना था, मुझे नहीं लगता उसकी ना तो उनको वक्त मिला था और ना ही उसकी किसी तरह की तैयारी की गई थी। महेश वर्मा जी, बीजेपी को जैसे मैंने आपसे पहला सवाल भी पूछा था कि ठंडक पै गई होगी आज कलेजे में, अब कुछ हमलावर कम होंगे, अब रॉबर्ट वाड्रा को कम बुलाएगी ईडी, मेरा आपसे सवाल? नहीं, जो कानून है वो तो अपना काम करेगा और उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उससे इस चीज को कनेक्ट करना। लेकिन लोग सवाल जरूर पूछेंगे प्रियंका गांधी से कि भाई आखिर ऐसा कौन सा आपने गुनाह किया कि आपके पति देव जो है कानून के कटघरे में खड़े हो गए। तो ये सवाल तो प्रियंका गांधी को छोड़ेगा नहीं, वो जहां भी जाएंगे ये सवाल खड़ा करेगा। लेकिन एक चीज मैं दीपक जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि दीपक जी एक पॉलिटिकल मतलब जर्नलिज्म की दुनिया में एक बड़े अल्टीमेट व्यक्ति मैं समझता हूं इनको। मैं दीपक भाई आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक बदलाव 2014 के बाद जो राजनीतिक सोच समझ लोगों की बदली है, या उसमें कहीं आपको ये आज जो प्रियंका गांधी का आप ये जो शो देख रहे हैं, ये जो नाम की जो राजनीति होती थी उसमें कहीं बदलाव आया है क्या? ये उसी का दुष्परिणाम है क्या? नहीं, देखिए अब तो ये हो गया है कि राजनीति के अंदर और खासकर युवा वर्ग के अंदर, जो फर्स्ट टाइम युवा है उसके अंदर, आप काम करिए तभी आपको वोट मिलेंगे, नाम के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट मिलेंगे। ये एक मोटे तौर का बदलाव हमको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला है, और हमने राज्य सरकारों के अंदर भी देखा है कि जो काम करता है उसको जनता पसंद करती है, वो पॉपुलर होता है। तो नाम नहीं काम, दाम नहीं काम, ये बदलाव एक देश के अंदर है। लेकिन देश के अंदर, देश के जनमानस में यह बदलाव क्या पूरी तरह काम करता है? लेकिन एक बड़ा सेक्शन ऐसा है, युवा सेक्शन ऐसा है, जो इसको मानता है कि जो काम करेगा वोट उसी को जाएंगे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक परीक्षा है, उन्होंने काम किया है, काम की चीजों को वो लेकर जनता के बीच जाएंगे। अब ये देखना है कि ये बदलाव पूरा हुआ है या ये बदलाव पूरा नहीं हुआ है। दीपक भाई, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो है ना, किसी न किसी तरह से ये जो नाम की राजनीति थी उसकी फेल्योर भी है। नाम का काम अब तमाम हुआ और काम जो था, अब ये काम राजनीति में जो काम है दिखे। लिखा है, उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में नए सफर और लोगों की सेवा के लिए उठाए कदम के लिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त, अच्छी पत्नी और बच्चों के लिए प्यारी माँ हो। आज कल बदले की भावना का राजनीतिक माहौल है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि लोगों की सेवा उसका फर्ज है, लिहाजा वो देश की जनता की सेवा को समर्पित है, कृपया उन्हें महफूज रखें। दीपक जी, अब इस फेसबुक पोस्ट का मैं क्या मतलब निकालूं? मैं हमेशा इस चीज की मजाक उड़ाती आई हूं कि पति पत्नी एक दूसरे को फेसबुक पे क्यों मैसेज लिखते हैं, आपस में मिलके फोन करके बात कर लें।
देखिए मेरे ख्याल से ये पब्लिक पोस्चरिंग है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा भी जानते हैं कि वो जितना लिखेंगे उससे प्रियंका गांधी को उतना ही नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला प्रियंका गांधी को, क्योंकि रॉबर्ट जिस तरीके से फंसे हुए हैं, जब प्रियंका गांधी की फर्स्ट कॉलम खबर छपनी होती है कि चार कॉलम और पांच कॉलम हेडलाइन लग के प्रियंका गांधी राजनीति में आ गई हैं, या प्रियंका गांधी आज एआईसीसी में गई अपने कमरे में जाकर बैठी, तो चार कॉलम उनको मिलता है और चार कॉलम रॉबर्ट वड्रा को मिलता है कि वो ईडी में जाकर पूछताछ करके वापस आ गए। तो मुझे ये लगता है कि रॉबर्ट जितने भी प्रियंका के बारे में बोलेंगे लॉन्ग टर्म में उससे उनका नुकसान ही होना है, और प्रियंका मजबूरी में जा रही है रॉबर्ट के साथ। मैं कह दूं कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है, हालांकि दिल से वो भले से जा रही हूं, मैं उनके व्यक्तिगत रिश्तों के बारे में कुछ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनका बार बार ईडी दफ्तर जाना, रॉबर्ट वड्रा को लेकर जाना, उनको वापस लेकर वापस आना, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि वो ये दिखाना चाहती है कि इनको पॉलिटिकल रीजंस के कारण परेशान किया जा रहा है, लेकिन हकीकत देश की जनता जानती है कि रॉबर्ट वड्रा किस किस तरीके के चीजों में फंसे हुए हैं और किन किन मामलों पर उन पर सवाल उठे हुए। ठीक है, कांग्रेस की नेता राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। राधिका जी, जिस करिश्मे की उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी थी या हमें ऐसा लग रहा था, वो करिश्मा सड़क पर उतना साबित नहीं कर पा रही है कांग्रेस। क्या जल्दबाजी में लिया हुआ ये फैसला है, वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, गलत दिन का चुनाव है, या एक घिसा पिटा बयान आपकी तरफ से अब आ सकता है कि नाकों पर रोक लिया हमारे कार्यकर्ताओं को? देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चाहेगा नेशनल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, जिस तरीके से बौखलाहट हमने भाजपा के हर खेमे में देखी है, चाहे उनके प्रवक्ता हो, उनके छोटे लीडर हो, बड़े लीडर हो, चाहे वो बयान के तौर पे हो, चाहे रॉबर्ट वड्रा जी को तंग करने के तौर पे हो, ये सब पूरा देश देख रहा है। मैं नहीं जानती, मेरे सामने टीवी नहीं है कि ये कौन बोल रहा था जिसने ये कहा था कि प्रियंका जी की मजबूरी है रॉबर्ट वड्रा जी के साथ जाना। तो मैं एक बात आपके लिए क्लियर कर दूं कि कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी आप लोगों की या भाजपा की हो गई है, क्योंकि पांच साल से पहले राधिका जी, ये हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ हैं। राधिका जी, राधिका जी आपको रोक रही हूँ, हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ मौजूद है और लंबा अनुभव है उनका, और अगर उनकी एनालिसिस को आप गलत कह रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने को धोखा दे रही हैं। बिल्कुल गलत कह रही हूँ, बिल्कुल गलत कह रही हूँ। अनुभव सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, हम दीपक जी को बचपन से देखते आए हैं, मानती हूँ अनुभव है, लेकिन अनुभव का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोले। अनुभव का ये रॉबर्ट वड्रा आपकी दुखती रग नहीं है, ये आप भी जानती हैं के साथ जा रही है, और जिस तरीके से पूरे देश ने देखा है, सॉरी पूरे देश ने देखा है किस तरीके से भाजपा ने बरगलाया इस देश को, छह सात साल से मोदी जी जो चिल्ला रहे थे कि चलिए रॉबर्ट वड्रा को छोड़िए। राधिका जी और अब प्रियंका जी चुनाव अब राजनीति में आई है तो आप ये डर रहे, बहुत गलत बात है ये बोलना कि उनकी मजबूरी है। आप किसी को जब तक दोषी करार तभी कर सकते हैं जब उनके खिलाफ प्रूफ हो, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ इतनी बात बोली थी राधिका जी मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ये कहा था कि जिस दिन आठ कॉलम की खबर छपनी चाहिए कि प्रियंका गांधी आज राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और कांग्रेस के दफ्तर में अपने ऑफिस के अंदर वो बैठी, तो चार कॉलम की छपती है कि प्रियंका गांधी दफ्तर गई, और चार कॉलम की ये भी छपती है कि आज छह घंटे रॉबर्ट वड्रा के साथ ईडी ने पूछताछ की है। तो दोनों चीजों का अपना एक रिलेवेंस है, दोनों चीजों का अपना एक पॉलिटिकल मैसेज है। वो उनके साथ गई, मैंने उसको मजबूरी शब्द के साथ नहीं जोड़ा है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर करना चाहता हूँ। ये उनकी इच्छा है, ये उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, ये पति पत्नी के रिश्ते हैं, जिस पर मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं होता और ना मैं उस पर किसी तरह की टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव की जगह निगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है रॉबर्ट वड्रा के कारण, और अगर रॉबर्ट वड्रा फेसबुक पे प्रियंका जी के बारे में लिखते हैं, प्रियंका गांधी के बारे में लिखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ही नहीं शॉर्ट टर्म में उसके जो मतलब निकाले जाएंगे उसके मतलब में एक कंक्लूजन ये भी ड्रॉ किया जाएगा कि रॉबर्ट वड्रा कहीं प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल मजबूरी तो नहीं बन गए हैं या उनके लिए निगेटिव इम्प्लीकेशन तो नहीं लेकर आ रहे हैं चर्चा के अंदर। ये मेरा कहना था और ये मेरा स्टेटमेंट है जिस पर मैं अभी भी कायम हूं। राधिका जी, कोई राजनीतिक
देखिए रॉबर्ट वड्रा जी के ऊपर कोई भी चीज साबित नहीं हुई है। सारा देश देख रहा है किस तरीके से बदलाव की बात करने वाली पार्टी सिर्फ बदले की राजनीति करती है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। किस तरीके से मोदी जी बदला तो इस देश की जनता से लेते आए हैं, जब रात को 12 बजे के बाद और उसके बाद ताली बजा के कहते हैं देखो मैंने क्या कर दिया, और व्यापारियों की कमर तोड़ देते हैं, जीएसटी ले आते हैं, किस तरीके से नोटबंदी। आपकी रैली में भीड़ क्यों नहीं है इसका जवाब दे दीजिए। आपके इस रोड शो में इसी पर बात कर लेते हैं, आपको लगता है उन्होंने बदले की राजनीति शुरू की नरेंद्र मोदी जी ने? चलिए तर्क के तौर पर मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन ऐसे क्या कारण है कि रॉबर्ट वड्रा के ऊपर एक के बाद एक केस ही होते जा रहे हैं? ऐसे क्या कारण है? अगर उन्होंने मौका नहीं दिया होता, अगर उनके ड्यूबियस डीलिंग्स नहीं होते, तो फिर क्या मजाल थी किसी संस्था की, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, कि उनके खिलाफ किसी तरह का केस कर देती? कौन से ड्यूबियस डीलिंग? दीपक जी मैं आपको यहाँ पे टोकूंगी, मुझे भाजपा की भाषा मत बोलिए। मैं बिल्कुल भाजपा की भाषा नहीं बोल रहा हूँ। ईडी ने अगर कोई केस तय किया है, राधिका जी सुनिए, ईडी ने अगर कोई केस तय किया है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके कुछ पेपर्स हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, कोई तो बेसिस दी होगी ना आपने? दीपक जी एक सवाल इनसे है, आरोप तो नरेंद्र मोदी जी पे भी थे, आरोप तो उस इंसान पे भी थे जो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो तड़ीपा रहे हैं। लेकिन उन आरोपों से वो बरी हो गए ना, रॉबर्ट वड्रा तो अभी तक बरी नहीं हुए। आरोप तो हमें बोल ही रही हूँ, भाजपा आरोप लगा रही है क्योंकि वो ऐसी चीजें कर रही है। भाजपा की राजनीति ही इसी के ऊपर है कि आरोप लगाओ, झूठ बोलो, देश को भ्रमित करो, वो हम देखते आए हर मुद्दे पे। रॉबर्ट वड्रा जी भी मुद्दा है और हर मुद्दा उनका सिर्फ जुमले देने का है। जैसे हमने देखा राजस्थान में भी वो लेकर आए थे, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। हरियाणा राजस्थान दोनों। चलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है राधिका जी, आ गया था किस तरीके से राधिका जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, थोड़ी सी समय की पाबंदी, इन तस्वीरों के साथ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस समय की बड़ी खबरों पर।